फिर से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम ना एक डेजर्ट बनाते हैं, साबूदाने की खीर। लेकिन जो नॉर्मली खीर खा करके भी बोर हो जाते हैं सब वही सेम, तो आज हम उसको कुछ डिफरेंट टाइप का बनाएंगे डेजर्ट, एकदम उसका बढ़िया सा। उसमें हम लोग फ्रूट भी यूज़ करेंगे, ड्राई फ्रूट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। खाने को इस तरह हमने सोक कर लिया था कुछ 5 से 6 घंटे तक। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, तो तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ दूध भी रख दिया है बॉईल होने के लिए। जब तक ये दोनों होते हैं तब तक हम हमारे फ्रूट्स काट लेते हैं। साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसे एक छाननी में स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। हमारा दूध भी बहुत बढ़िया हो गया रेडी। अब हमने जो स्ट्रेन की थी साबूदाने, वो इसके अंदर डाल देंगे, छोड़ देंगे सारे साबूदाने इस तरह से। और क्या करेंगे, इसी के साथ हमने चीनी डाल देनी है। चीनी डाल के इसे थोड़ा और चला देंगे जब तक ये थोड़ी सी ठीक हो जाए। देखिए ये खीर रेडी हो गई। अब हमने गैस को बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा सेट होने देना है ताकि ये ठीक भी हो जाएगी और थोड़ी ठंडी होगी। उसके बाद हम फ्रूट, ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे इसमें। देखिए सेट हो गया, ठंडा हो गया। तो हमारे पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे वो हमने काटे। ये बनाना लिया है हमने, एक बनाना कट कर दिया, इसे डाल देंगे। इसी के साथ हमने एप्पल लिया है, एप्पल डाल देंगे इसके अंदर। इसी के साथ हमारे पास काले अंगूर थे कुछ, उसे डाल देंगे। और कुछ हमारे पास ग्रीन ग्रेप्स थे, हम इसे भी डाल देंगे। और ये हमारे पास काले मनक्के हैं, इन्हें इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट हम डाल दें, बाकी ऊपर से डालेंगे। अब इसे हम सर्व कर देते हैं एक बाउल में। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ये डेजर्ट बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से इसे थोड़ा चिल करके खाएंगे तो ये और टेस्टी और मजेदार लगेगा। तो फॉर ए चेंज हम स्वीट डिश बनाते हैं तो इस तरह का भी बनाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया है। देखिए आप इसका लुक कितना बढ़िया है, और खाने में तो और भी मजेदार है और हेल्दी भी है। सीजनल फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, ड्राई फ्रूट्स जो भी होते हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए, हम भी इसे खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो एक और वीडियो में एक और हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।